आज गाइस तो कैसे आप लोग, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए क्विक अपडेट के व्लॉग में। और क्विक अपडेट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये जो व्लॉग है मैंने अपने फोन से शूट शुरू किया हूँ, गोप्रो से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं निकला हूँ सीधे भिलाई जाने के लिए। भिलाई का पंडाल आप लोगों को दिखाऊंगा, इस नाम से निकला हूँ। बट रास्ते में पड़ता है भाई चरोदा, तो चरोदा भी आ गया, सोचा कि 2 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को अपडेट देता हूँ कि कौन सा पंडाल यहाँ बनाया जा रहा है और पंडाल के अलावा क्या कुछ यहाँ खास हो रहा है, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में फटाफट बताने वाला हूँ। तो ये देख लो गाइस, ये इधर बड़ा सा पंडाल बन रहा है। पंडाल आप लोगों को क्लोज जाके अंदर से दिखाऊंगा, उसके बाद बाहर का माहौल आप लोग देख लो। ये पूरा बड़ा सा भाई ग्राउंड, और इधर देखो पूरा झूला, झूला में ड्रैगन झूला है और जो स्काई झूला होता है ना वो भी आया है। तो माहौल तैयार जबरदस्त रहने वाला है इस साल भी यहाँ। बाकी पूरा ग्राउंड में देखो तैयारियां चल रहा है, शॉप जहां लगता है ना शॉप को बनाया जा रहा है। बीच में भाई लाइटिंग वाइटिंग देखो, अलग अलग भगवान की प्रतिमा वाला लाइट जो होता है ना वो भी देखने को मिलेगा। कुल मिला के एलईडी लाइट से पूरा भाई ये एरिया पूरा जगमगा जाता है। और यहाँ से देखो दूर से भाई पंडाल कुछ ऐसा दिख रहा है, स्ट्रक्चर कम्प्लीट है कुल मिला के बांस बल्ली वाला, पर जो भी पर्दा वर्दा जो लगता है ना कॉटन का कपड़ा से वो होना भी बचा हुआ है। काम धाम भाई जोरों से चल रहा है, लेके चलते फटाफट आप लोगों को सामने इस पंडाल के। तो ये पूरे काम धाम चल रहा है और ये आप लोगों को दिखा रहा था भाई, देखो कितना बड़ा बड़ा गणेश जी का, शंकर जी का पूरा मतलब एलईडी बोर्ड से जगमगाएगा पूरा एरिया ये। और सामने से देखोगे भाई तो कुछ ऐसा पंडाल नजर आने वाला है। तो जब पंडाल के बाहर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कपड़े ऊपर जब लग जाएगा ना, तो काफी भव्य दिखेगा। मैं उस बार आऊंगा, उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल देखो भाई जो स्ट्रक्चर बना है कितना जबरदस्त नजर आ रहा है, बड़ा सा है, पूरा बड़ा सा ग्राउंड है, मेला पूरा माहौल यहाँ रहता है। चारों तरफ का नजारा दिखाऊं तो कुछ ऐसा आप लोग को जो नजर आने वाला है। इस बार कौन से थीम पे बन रहे भैया पंडाल अपना? पंडाल तो नहीं मालूम, वो क्या बोलते है, कोई मंदिर का बन रहा है ना, राजस्थान का कुछ भवन बोल रहे थे। अच्छा, तो भाई जो मेन कारीगर भी होंगे वही बता पाएंगे। मेरे ख्याल से मंदिर का ही डिजाइन है बहुत बड़ा। भैया कुछ आइडिया है कौन से मंदिर के थीम पे बनना है पंडाल? कुछ आइडिया नहीं है, चलो कोई नहीं। तो भाई ऐसा होगा अपना पूरा बड़ा सा भव्य पंडाल, ये होगा अपना एंट्री गेट। यहाँ से एंट्री करोगे, यहाँ से उतरोगे और इसके बाद जस्ट आगे जाओगे ना तो आपको देखने को मिलेगा स्टेज, वो होने वाला है भाई स्टेज जहाँ गणपति जी को विराजमान किया जाता है। और ये पूरा भाई अलग अलग देखो, मेरे ख्याल से लग रहा है कि ये भी छोटा छोटा अब मंदिर का डिजाइन ऐसा लग रहा है, बाकी जैसे जैसे कंप्लीट होते आएगा ना नजर आना शुरू हो जाएगा। मैं उस बार एक बार और विजिट करूंगा, अभी तो कारीगर भैया को भी आइडिया नहीं है क्या बन रहा है बोल के जो काम कर रहे हैं। तो बाकी ये कुल मिला के अभी का नजारा, ये भाई स्टेज हो गया और यहीं गणपति जी को बिठाते हैं। चलो गाइस, अपने कैमरे के माध्यम से आप लोगों को दिखा चुका हूँ, बाकी आप लोगों को आइडिया हो कौन सा थीम पे बन रहा है तो बताना। मेरे को लग रहा है मंदिर के थीम पे, बट कारीगर लोगों को पता नहीं था तो क्या ही बात किया जाए। बाकी छोटा सा वीडियो था, अपडेट दिया, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए आप लोग चैनल को बस सब्सक्राइब कर लो, ठीक है जी। चलो बाय।